हेलो बच्चों, हम 10th क्लास की डिटेल कर रहे हैं। आज हम उसमें टॉपिक कर रहे हैं ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ स्टोर ऑपरेशन असिस्टेंट, यानी कि स्टोर ऑपरेशन असिस्टेंट के काम तथा जिम्मेदारियां। जो स्टोर ऑपरेशन असिस्टेंट होता है वो क्या काम और क्या जिम्मेदारियां करता है। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि स्टोर ऑपरेशन असिस्टेंट होता कौन है। स्टोर मतलब स्टोर दुकान समझते हैं आप, ऑपरेशन होते हैं कामकाज, और असिस्टेंट होता है सहायक। तो स्टोर ऑपरेशन असिस्टेंट का मतलब क्या हो गया, स्टोर के कामकाज में सहायता करने वाला। तो स्टोर ऑपरेशन असिस्टेंट का मेन काम क्या होता है, वो स्टोर के कामकाज करने में हम एक रिटेलर की तथा एक मैनेजर की सहायता करता है। तो वो क्या क्या काम करेगा, स्टोर का काम संभालने में मैनेजर की मदद करना। रिटेलर या मैनेजर जो भी है, जो स्टोर को संभालता है, स्टोर का काम संभालने में वो उसकी मदद करता है। कस्टमर को वस्तुएं दिखाना, तो स्टोर ऑपरेशन असिस्टेंट क्या करता है, कस्टमर को वस्तुएं दिखाता है, वस्तुओं और सेवाओं के बारे में जानकारी देता है, और जो स्टोर के संबंधित सारे रिकॉर्ड बनाने में भी सहायता करता है। स्टॉक का ध्यान रखता है कि अगर कोई स्टॉक कम है, कितना पड़ा है, और सही तरीके से रखा जाए स्टॉक, और अगर कम है तो उसको नया मंगवाता है, कम है स्टॉक तो नया स्टॉक मंगवाता है। सप्लायर से बात करता है, सप्लायर कौन होता है, जो हमें स्टॉक भेजता है, जहाँ से एक रिटेलर खरीदता है, तो वो सप्लायर से बात करता है कि क्या स्टॉक कम है, और वो नए स्टॉक का ऑर्डर करता है। कस्टमर के सवालों का जवाब देना, अगर कस्टमर वस्तु के बारे में, सेवा के बारे में कोई सवाल पूछते हैं तो उनके सवालों का जवाब देना। कस्टमर की समस्याओं को सुनना, कस्टमर की जो भी प्रॉब्लम्स है वो उन सारी प्रॉब्लम्स को, सारी समस्याओं को ध्यान से सुनता है और उसकी समस्याओं को सुलझाता है, समस्याओं को दूर करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट, खराब वस्तुओं को अलग निकालना। तो जो नई वस्तुएं स्टोर में प्राप्त की जाती हैं, जो वस्तुओं का हम ऑर्डर करते हैं, जो वस्तुएं हम प्राप्त करते हैं, उनमें से वो खराब वस्तुओं को अलग निकालता है और इसके बारे में सप्लायर को सूचित करता है। नेक्स्ट है नए कर्मचारियों को ट्रेनिंग देना। नए कर्मचारी, जो भी नए कर्मचारी या कुछ स्टूडेंट आते हैं, विद्यार्थी आते हैं स्टोर में नया कुछ सीखने, तो नए कर्मचारियों को वो क्या देता है, ट्रेनिंग देता है। डिस्प्ले का ध्यान रखना, डिस्प्ले होता है कि कौन सी वस्तुएं, कौन सा सामान कहाँ रखा जाएगा, स्टोर को इस प्रकार सजाना कि स्टोर देखने में अच्छा लगे। तो वो डिस्प्ले का ध्यान रखता है कि वस्तुओं को किस प्रकार सजाया जाए, किस प्रकार उनको स्टोर में डिस्प्ले किया जाए। नेक्स्ट है प्रचार में सहायता करना। जो स्टोर ऑपरेशन असिस्टेंट है वो वस्तुओं तथा स्टोर के प्रचार में सहायक होता है। अनेक तरीकों द्वारा प्रचार करते हैं, जैसे कि विज्ञापन है, पंपलेट बांटते हैं, पंपलेट मतलब पर्चे बांटे जाते हैं स्टोर के बारे में, तो इन सब कामों में सहायता करता है। शिपिंग का ध्यान रखना, हम पहले के वीडियोस में शिपिंग कर चुके हैं। शिपिंग होता है वस्तुओं को पैक करके कस्टमर के पास भेजना। तो वो क्या करता है, शिपिंग का ध्यान रखता है कि शिपिंग के समय वस्तुएं सही तरीके से पैक हों और सही समय पर ग्राहकों तक भेज दी जाएं। नेक्स्ट है कस्टमर को वस्तुएं बदल कर देना। अगर कस्टमर ने कोई वस्तु खरीदी है और वो उससे संतुष्ट नहीं है, वो वस्तु को बदलना चाहता है, तो कस्टमर को वो वस्तुएं बदल कर देता है। और शिपिंग में स्टोर ऑपरेशन असिस्टेंट इस बात का भी ध्यान रखता है कि जो शिपिंग है, एक तो समय पर हो, दूसरा पैकिंग सही तरीके से हो। बहुत सी वस्तुएं ऐसी होती हैं, अगर उनकी पैकिंग सही नहीं हो तो वो खराब हो जाती हैं, जैसे कि फल सब्जियां हैं, या मान लो घी दूध, ऐसी कोई वस्तु है, अगर वो सही तरीके से पैक नहीं होगी तो वो रास्ते में ही लीक हो जाएगी। तो ये देखना कि वस्तुएं सही तरीके से पैक हों और सही समय पर भेज दी जाएं, जिससे कि वो सही समय पर ग्राहकों को मिल जाएं। तो ये थे कुछ काम जो स्टोर ऑपरेशन असिस्टेंट करता है, स्टोर ऑपरेशन असिस्टेंट की काम तथा जिम्मेदारियां। थैंक यू।